नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट अकाउंटिंग आरसनआर पे। मैं हूं मोहन सुथार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब किसी कंपनी की प्रैक्टिकल अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो उस वक्त हम कॉन्ट्रा वाउचर का जो यूज है किस पर्पज से करते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा कमेंट लोगों के इसी वाउचर से रिलेटेड आते हैं भी, हमें ये बताइए भी कॉन्ट्रा वाउचर में किस किस टाइप की एंट्रियाँ पास करी जाती है। विशेषकर उन लोगों के सबसे ज़्यादा माइंड में कन्फ्यूजन होता है जिन्होंने जस्ट किसी इंस्टीट्यूट से टेली सॉफ्टवेयर को सीख के किसी कंपनी में जॉब की शुरुआत करी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको वो कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं प्रैक्टिकल तरीके के साथ भी हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कॉन्ट्रा वाउचर का जो यूज है वो किस पर्पज से किया जाता है और कौन कौन सी एंट्रीज उसमें पास करी जाती है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो या आपने जस्ट किसी कंपनी में अकाउंट जॉब की शुरुआत करी है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके साथ में ऑल पर भी ज़रूर क्लिक कर लें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जो कॉन्ट्रा वाउचर का ऑप्शन दिया होता है F4 का टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में, तो उसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं या फिर बैंक से कैश को विड्रॉ करते हैं या फिर हम जैसे कि हमारे कंपनी में दो अकाउंट्स है अलग अलग बैंक में, तो हम उसकी आपस की जो भी ट्रांजेक्शन है लेन देन करते हैं उस टाइप की ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। तो दोस्तों, हम इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं। अगर दोस्तों हम बात करें मैनुअल टाइप के अकाउंट की, तो दोस्तों जब हम मैनुअल अकाउंटिंग करते हैं तो हम जब भी कैश डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो हमें बैंक में इस टाइप की एक जो स्लिप है जो डिपॉजिट करवानी होती है, आधा हिस्सा बैंक के पास आ जाता है, आधा हमारे पास है, स्टैंप लग के हमारे को दे देता है बैंक। तो दोस्तों, अब हमें ये बात पहचाननी है भी ये जो वाउचर है इस वाउचर की एंट्री हम टेली सॉफ्टवेयर में कौन से वाउचर में पास करेंगे। अब इसमें हमारे पास चेक के थ्रू पैसा आया होता है, चेक के थ्रू हम पैसा पेमेंट करते भी हैं, बैंक से पैसा हम विड्रॉल भी करते हैं और बैंक में हम कैश भी डिपॉजिट करवाते हैं। तो इस कुल मिला के ये चार टाइप की हम बैंक से रिलेटेड है जो ट्रांजैक्शन पास करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवल कॉन्ट्रा वाउचर में किस टाइप के ट्रांजैक्शन को हम पास करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात हम करते हैं बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की। तो दोस्तों, जब भी हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो हमें इस टाइप की एक स्लिप है जो फिलअप करनी होती है मैनुअली। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बैंक में हमने कैश डिपॉजिट करवाया है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कैश को तो करेंगे क्रेडिट। अब अमाउंट आपकी कुछ भी हो सकती है, डेट हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने 5000 है जो कैश डिपॉजिट करवाया है तो हम कैश को तो करेंगे क्रेडिट और उस कंडीशन में हम बैंक को करेंगे डेबिट। अब बैंक आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, कॉन्ट्रा वाउचर में आपको लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में केवल और केवल या तो कैश का लेजर शो करेगा या फिर बैंक का लेजर है जो शो करेगा, इसके अलावा और कोई भी लेजर आपका यहाँ पर शो नहीं होता है, केवल कैश और बैंक से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में पास होती है। तो अगर हमने कैश डिपॉजिट कराया तो हम कैश को करते हैं क्रेडिट और उस बैंक को हम डेबिट करेंगे जिस बैंक में हमने कैश है जो डिपॉजिट कराया है। अब बैंक आपका सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, लोन अकाउंट हो सकता है, वो कोई मैटर नहीं करता। तो ये होती है हमारी बैंक में कैश डिपॉजिट करवाने की एंट्री। तो टोटल जो तीन टाइप की ट्रांजेक्शन होती है हम तीनों पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में यहाँ से हमारे से ये डिटेल्स पूछता है रुपीज़ की भी, आपने 2000 के जो रुपीज़ है उसके कितने नोट्स आपने जमा कराए हैं, 1000 के कितने हैं, 500 के कितने हैं, 200 के कितने हैं, 100 के कितने हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो खाली इंटरप्रेस करके आप इसको यहाँ से या फिर कंट्रोल ए से पास कर सकते हो। बैंक नेम अगर आप यहाँ से मैनुअली बैंक नाम देना चाहो तो हम यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा भी लिस्ट ऑफ बैंक में से आपको बैंक यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर आपके सिस्टम में नेट ऑन है तो आपकी लिस्ट ऑफ बैंक की डिटेल यहाँ पर टेली सॉफ्टवेयर अपने आप है जो ला देते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से इसको नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हो। तो सिंपल एंट्री होगी हमारी ये कैश डिपॉजिट करवाने की, अगर हम बैंक में कैश डिपॉजिट करवाते हैं उस टाइप के ट्रांजेक्शन, यानी कि बैंक को तो हम करते हैं डेबिट और कैश को करते हैं क्रेडिट। और जो सेकेंड टाइप की जो ट्रांजेक्शन होती है वो होती है अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल किया है, यानी कि नगद पैसा अगर हमने बैंक से निकलवाया है तो उस टाइप की ट्रांजेक्शन को भी हम कॉन्ट्रा वाउचर में पास करते हैं। तो इस कंडीशन में
जो हमारा कैश डिपॉजिट करवाने की जो ट्रांजैक्शन होती है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। यानी कि अब इस कंडीशन में हम बैंक को करते हैं क्रेडिट, यानी कि अगर हमने बैंक से पैसा विड्रॉल कर लिया है तो अब बैंक से पैसा चाहे आपने एटीएम के थ्रू विड्रॉल किया हो, चाहे आपने बैंक में जाके कैश है जो नगद निकलवाया हो, तो उस कंडीशन में हम करेंगे। मान लीजिए आपने 1000 जो कैश है जो विड्रॉ किया है, तो हम बैंक को तो करेंगे क्रेडिट, और उसके बाद में यहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट की डिटेल लिख सकते हो, चाहे अगर आपने चेक के थ्रू यूज़ किया तो आप चेक का नंबर यहाँ पर डाल सकते हो, एटीएम के थ्रू आपने लिखा है निकलवाया तो भैया एटीएम आप लिख सकते हो, और इस कंडीशन में हम करेंगे वापस कैश को डेबिट। यानी कि कैश विड्रॉल की कंडीशन में बैंक को तो हम क्रेडिट करते हैं और कैश लेजर को हम डेबिट करते हैं और एंट्री हम पास करते हैं। तो अब जो तीसरी ट्रांजेक्शन हम जो कॉन्ट्रा वाउचर में यूज होती है वो होती है बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन। अब बैंक टू बैंक ट्रांजेक्शन का मतलब, अब मान लीजिए जैसा कि हमारी कंपनी में एक लेजर हमने क्रिएट किया हुआ है SBI बैंक का, और एक हमारा दूसरे बैंक के अंदर भी लेजर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक बैंक का लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं LC शॉर्टकट के साथ। अब मान लीजिए जैसा कि हमने यहाँ पर लिख दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो हमें इसको रखना पड़ेगा बैंक अकाउंट में। अगर आपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप सेलेक्ट किया है तो ही हम कॉन्ट्रा वाउचर में इसकी एंट्री को पास कर सकते हैं। उसके बाद में आप बैंक डिटेल की यहाँ पे अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड सब कुछ लिख सकते हो, स्विफ्ट कोड वगैरह। अगर अभी आप फिलहाल आपके पास नहीं है तो आप इन सभी को स्किप कर सकते हो, तो मैं इसको सभी को स्किप कर रहा हूँ एक बारी और एंटर प्रेस करते हुए। अब मान लीजिए जैसा कि आप देख रहे हो, जैसे हमने बैंक लेजर को क्रिएट किया तो दोनों बैंक के लेजर हमें इस लिस्ट में सेलेक्ट हो गए, SBI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का। अब मान लीजिए आपने SBI बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ पेमेंट आपने ट्रांसफर करी है, दोनों लेजर आपके कंपनी के ही है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यानी कि SBI से पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा में जा रहा है तो जिस बैंक से पैसा निकल रहा है उस बैंक को हम करेंगे क्रेडिट, तो SBI बैंक को तो हम करेंगे यहाँ से क्रेडिट में, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर CR का आ रहा है, CR का मतलब क्रेडिट। अब मान लीजिए आपने 500 आपने रुपीज़ ट्रांसफ़र किए तो आप SBI बैंक को 100 से क्रेडिट करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट की डिटेल लिख सकते हो, आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं या फिर चेक के थ्रू ट्रांसफ़र किए हैं, RTGS NEFT जो भी आपने यूज़ किया वो डिटेल हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑनलाइन या नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा को हम डेबिट करेंगे क्योंकि SBI से पैसा निकल रहा है और बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और एंट्री को पास करेंगे। तो दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर में हम तीन टाइप की ट्रांजैक्शन को पास करते हैं, कैश डिपॉजिट करवाने के लिए, कैश विड्रॉल करने के लिए, या फिर हमारी कंपनी के बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन को पास करने के लिए। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।